ये नीरव कहना जो प्रार्थना आप सब कृपया शांत हो जाइए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण कर आज पवित्र गोवर्धन पूजा अवसर में गोवर्धन नाथ भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर अंतर्राष्ट्रीय गो नवरात्रि कार्यक्रम प्रथम संध्या आम मान गहन बस श्री गोवर्धन पीठ परमाराध्य जगद्गुरुजी चरण वंदना पूर्वक मंच उपस्थित समस्त साधु संघ वैष्णव मानकर जगज्जननी यज्ञेश्वरी पतित पावनी गोमाता हृदय सिंहासन प्रतिष्ठा कर आज प्रथम दिन कार्यक्रम निमंत्रित अतिथि मान मध्य केन्द्रमंत्री श्रद्धेय धर्मेन्द्र प्रधान को कृतज्ञता अर्पण करी गोटे कथा आपण मही कार्यक्रम आगे दबा ये कार्यक्रम गोमाता कार्यक्रम ये कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय आंतर्जातिक कार्यक्रम ये कार्यक्रम लुप्त प्राय एक अपूर्व परंपरा को पुणि थे पुनर्जीवित कराइवाई कार्यक्रम गो नवरात्रि कार्यक्रम गो नवरात्रि कार्यक्रम उद्देश्य गो महोत्सव निज जीवन प्रतिफलित करने सहित निज हाथ में गो सेवा अभियान संग्रह ए कार्यक्रम कौन सी भावप्रवण कार्यक्रम नुह कौन सी दल मत संप्रदाय कार्यक्रम नुह ए कार्यक्रम केवल भारतवर्ष नुह भारतवर्ष बाहर मध्य गो माता प्रति श्रद्धा रखा गो भक्त मैंने किसी संख्या आज उपस्थित अच्छा प्राय दस टी देश तेणु ये कार्यक्रम सफलता प्रकृति सहयोग कर कार्यक्रम श्रीक्षेत्र पूरी में कहीं ए कार्यक्रम पूर्व वर्ष मामले भारत विभिन्न प्रदेश में पालित होता बेले साधु संघ मान प्रेरणा उत्तर दांड में
To the midst of this Mahotsava. This is an auspicious moment in the life of our society, in the life of this Utkala, in the life of this Mother India, in the life of the mankind, that for the first time we are getting united to rediscover the glory of the Mother Cow. She is not an animal, divine domestic friend, divine domestic life. She is part of our life, part of our family, part of our society, not only of Utkala, not only Odisha and India, but of the whole mankind. Gavah Vishvasya Matra, she is the mother of the mankind. Bandhugana, ajira ei bhavya mahotsavara adya muhurtare samastanku swagat kariba sahita atithi manankara samanya parichaya pradan karuchi. पूज्य शंकराचार्य महाजन आम मागे बसी से आज सभार मुख्य आकर्षण आम समस्त गहन से बसी आम सौभाग्य
बहुत दिन धरी अर्ध शताब्दी ऊर्ध समय धरी महावांकर गोटे स्वप्न क्यों दिन कि भली भारतर धरा पृष्ठ रे गोमातार पूजा आराधना आम समस्त को देव बलिष्ठ चेतना आज भव्य समारोह सहित कह गले त्रिवेणी धारा एठारे तीनोटी महोत्सव समाहित होगा जाऊँगी गोटे हूँ गोमाता को नहीं महोत्सव आउ गोटे हूँ वृंदावन मलोकपीठाधीश श्री गणेश दास महाराज जन्म शतवार्षिक उत्सव पहाड़ी बाबा उत्सव मन रखु बंधुगण जो गोमाता अच्छा सकल तीर्थ सेठार उपस्थित जोटी गोमाता अच्छा गोमातार पूजा होटी सकल देवादेवी उपस्थित आज भव्य समय रे भव्य संध्यारे आम अनुभव करुचु सकल देवादेवी तांकर आशीर्वाद आमको देउछंती सकल तीर्थराज आम बथा उपरे चंदन पानी सुगंधित जल तीर्थ जल आज सिंचन करुछंती धन्य धन्य यही मुहूर्त आम गहणे अच्छा आमको आशीर्वाद देवाक आसमर मलुकपीठ अधीश्वर अनंत विभूति मंडित संत राजेन्द्र दास महाराज जे बसी आम प्रिय गुरुचंद्र दक्षिण भागरे आम गहणे अच्छा पूज्य स्वामी सत्यप्रज्ञा सरस्वती महाराज विश्वत्म चेतन परिषदर मुख्य से आम मोर बाम पक्षे बस प्रणाम कर गहणे अच्छा पूज्य स्वामी रामलोचन दास जी महाराज नित्य गोपाल आश्रम चित्रकूट ताहा प्रणाम करम गहणे बसी बरेण्य संत समस्ती चरण अनंत गोटे प्रणाम करसी मोर समे समग्र उत्कल समग्र भारत समग्र विश्वर गोभक्त गोप्रेमीगण पुनर्बार स्वागत करुची स्वागतम सुस्वागतम शंकराचार्य महाराज जी पूज्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज जी मंचर समस्त पूज्य संत मंडली ये सभागार उपस्थित थिबा समस्त आदरणीय संत समाज मंच उपस्थित थिबा अन्य वरिष्ठ महानुभव ए सभागार उपस्थित थिबा समस्त मातृशक्ति सज्जन वृंद सांबादिक बंधुगण अन्यान्य वरिष्ठ नागरिक वृंद आजर कार्यक्रम प्रारंभिक वक्तव्य रे ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनी संपर्क रे लुप्त हो जाउथवा वैज्ञानिक गो परंपरा को गो संवर्धन परंपरा को गो अर्थनीति परंपरा को भारतीय समाज जीवन रे गो नवरात्र रो ये महान पर्व रे मोर जहा धारणा बहुत दिन परे पुनर्बार पूज्य शंकराचार्य मार्गदर्शन में उत्कल प्रांतर समस्त पूज्य संत समूह या को आयोजन करथिबारु मु प्रदेश नागरिक मानक तरफ भारतवर्षर नागरिक मानक तरफ संत समाज पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुची विशेष करके परम पूज्य शंकराचार्य पाखरे विनम्र प्रणति जनाउची ये महान परंपरा को पुनर्बार सामना को आनीथिबारु मैं उत्कल प्रांत की ओर से देश और विदेश से आए हुए सारे अतिथि अभागतों का अभिनंदन करता हूँ
कि आपने गोवर्धन पीठ की इस महान सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम पे पधार के हम सबका मन बढ़ाया है। मैं निश्चित रूप में यह कह सकता हूं, यह विषय मैं बिल्कुल इस विषय में व्यक्तिगत रूप में सहमत हूं। जब कभी पूज्य प्रज्ञानंद जी ने मेरे को इस कार्यक्रम के बारे में इस कार्यक्रम संपर्क करे मते सूचना देले मते इतने संश्लिष्ट हवार सौभाग्य देले मुतंकु मोर अधिकार सब्यस्त गोटे दुटी कथा कही आदेश पूर्वर कही सहृदयता से मो कथा को शुणी ओडिशार अर्थनीति को इस देश की अर्थनीति को आगे ले जाने के लिए गो माता आदि अनंत काल से एक भूमिका रखी है। दुर्दैव से ये भावना का विषय बनते जा रहा है। ये भावना संग्रह जोड़ी है कि आज देश में दुर्भाग्यजनक स्थिति उत्पन्न होची। गो संवर्धना जगार गो तिरस्कार जीए जेते अधिका करी पारुची ये तत्व को जीए जेते पुरातन पंथी बतई पारुची सी निज को से प्रगतिशील सीते निज को आधुनिक परिचय सृष्टि करी पारुची से भलिया एक परिस्थिति रे भावनारु आगू जाए यार वैज्ञानिक महत्व यार अर्थनैतिक आवश्यकता यार समाज जीवन रे यार महत्व संपर्क रे पुनर्वा संत समाज पूज्य शंकराचार्य मार्गदर्शन ने या को एक आंदोलन रूप नहीं थोड़ा एक जन कथार जन अभ्यास प्रसंग बनई थी निश्चित रूपे ये समाज ये देश या द्वारा लाभान्वित हम सज्जन वृंद इतने कौनसी द्विमत नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस आधुनिक भारत की संविधान को लिखी गई ये नुआ भारत और संविधान को दशंधि पूर्वर जितेबले दशंधि पूर्वर जितेबले लिखा गला गो माता संपर्क रे या चर्चा हेतिला गो हत्या एक धार्मिक गो हत्या रो प्रतिबंध ये एक धार्मिक विषय नुहे केवल या पछरे वैज्ञानिक कारण ये देश रे थिला अर्थनैतिक कारण थिला निश्चित भावे श्रद्धार भावना भी थिला। आज पुनर्वा आवश्यकता अच्छी यार आधुनिक परिव्याख्यान करबा पई यार सांप्रतिक पर्याय करबा पई आलोचना करबा पई मु पुनर्वा ये आयोजक बंधु मानक ये आयोजन रो मुख्य पुरोधा मानक अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँची। ये परंपरा को यदि पूज्य शंकराचार्य मार्गदर्शन में हम नहीं तो पूरी गोवर्धन पीठ से हम नहीं तो ये बड़दाण्ड में हम नहीं तो आउ कौ जगार हम आज पुनर्वार उत्कल प्रांत सौभाग्यशाली संत समाज आशीर्वाद बल से ये एक प्रासंगिक विषय को आलोचना कोणा जाइछि वितर्क कोणा जाइछि यार सकारात्मक दिग को लोकलोचन को आणवार एक विनम्र प्रचेषा करा जाइछि। निश्चित भावे ये गो नवरात्र ये पक्ष ये सप्ताह समाज रे एक नवजागृति सृष्टि करिवो एते तिलमात्र संध्या नहीं पुनर्वार मते ये समारोह एक अंग बन थिबारु मते सौभाग्य दे थिबारु मु मोर अंतर कृतज्ञता ज्ञापन करुची द्विपद निवेदन करिवार आपण मते सुजोग दे थिबारु मु अंतर कृतज्ञता भी ज्ञापन करुची धन्यवाद भारत। लेकिन हम एक निवेदन करते हैं, भारत सरकार केवल इस देश की देशी गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उत्तम उपयोग करने का निश्चय कर ले
तो इतने मात्र से गोवंश की रक्षा और गोवंश की सेवा में बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा। आज भारतीय किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की दशा निरंतर नीचे की ओर जा रही है। उसका मूल कारण यही है कि कृषि व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसका मेरुदंड है गाय, और ये सब व्यवस्थाएं गाय से दूर होती चली जा रही हैं। यही कारण है। तो हम चाहेंगे कि प्रधान जी हम सबकी भावना को वहां तक पहुंचाएं कि इस देश में जो किसान रासायनिक खाद से विनिर्मुक्त भारतीय देसी गोवंश के गोमय और गोमूत्र आदि के प्रयोग से जो खेती करें, उनको सरकार प्रोत्साहन दे, उन्हें पुरस्कृत करे और उनके द्वारा उत्पादित फल फूल साग सब्जी अन्न आदि को अधिक कीमत दे करके खरीदे सरकार। ऐसा कोई पहल सरकार, केंद्र सरकार यदि करती है तो हमें विश्वास है कि बिना कानून बनाए भी इस देश में गोवध बंद हो जाएगा। आज गोवंश की उपयोगिता, उसका धार्मिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, और भारतवर्ष के लिए तो हम कहां तक कहें, भारतवर्ष की जो उपासना पद्धति है, जो विचार की पद्धति है, उसका तो आधार ही गाय है। हमारे यहां उस अत्यंत दुर्गेय ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने गोवंश की उपासना करके, गव्य पदार्थों का आहार करके वह पवित्र अंतःकरण प्राप्त किया, वह सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त की जिससे वे विचार कर सकें। हमारे संस्कार, हमारी उपासना, हमारे दर्शन, उन सबका मूल आधार है गाय। इसलिए गोवंश के संरक्षित होने से सब कुछ संरक्षित हो जाएगा। अभी जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, सरकार चाहे तो बिना कानून बनाए भी गो सेवा को प्रोत्साहन दे करके, गो संवर्धन को प्रोत्साहन दे करके सरकार बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य कर सकती है। और बहुत अधिक हम बोलेंगे तो हम लोगों को ही घाटा होगा। जगत गुरु ओम हरि ओम पावकान सरस्वती वाजे वाजिनेवती यज्ञं वष्टो धियावासो चोदयित्री सोनृतानां चेतन्ति सुमतेना यज्ञं दान्धे सरस्वती प्रणो यच्छत्वरयमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाक् देवी ददातु नः हरिः ॐ। Few years ago I was invited to teach in Central Missouri State University in the Department of Religious Studies. The students were American. They were studying Hinduism and they asked me, why do the Hindus call cow as the mother? I asked them, how many mothers do you have? They replied, we have one mother. I told, we the people of India who believe in Vedic culture have many mothers.
They looked at me out of curiosity. And I told them, India is the country where we worship God as mother. We love the scriptures as mother, Shruti Bhagavati, Gita, Mata. Our mantra is also mother, Gayatri Mantra. The earth is mother, Dharitri. The river is mother, Ganga, Yamuna, Saraswati, Mahanadi. And I went on telling more and more about mother, and then I told, cow is also mother. Now I'll speak in Odia. Iti ame jette basichu, ame gai kiye bujhiluni ki. Paschatya sikhya, paschatya sanskruti, paschatya sadhantra re padi, ame amara gai ko bhuli galu, ama bhasa ko bhuli galu, ama sanskruti ko bhuli galu. जहाँ को आम एवं गाई गाई बोली कह गाई क्षीर बोली कहूँ ये गाई नुह कि क्षीर क्षीर मध्य नुह जहाँ को बर्तमान पिला गाई गाई बोली कही जर्सी हॉलस्टीन आदि से मैंने गो पदवाच्य नुहति भारतीय संस्कृति वैदिक वाङ्मय वेदलक्षणा गो हूँ से जहाँ कांधरे चूल अच्छी कपोदवती जहाँ बलकम्बल सासना बेकरे थी अच्छी से ही गाई अन्य माने क्षीर दौरान पशु महिषी क्षीर दिए कि महिषी गोपदवाच्य नुहे से अधिक क्षीर दौरान पशु को आम अंध भाव गाई बोली स्वीकार करने पाश्चात्य जगतर वैज्ञानिक मान भारतीय देशी गाई क्षीर को अमृत एवं विदेशी गाई क्षीर विष बोली घोषणा करूला बेले भारत शासन प्रशासन भारत रुग्ण मानसिकताग्रस्त वैज्ञानिक देश में दुग्ध विप्लव श्वेत विप्लव दुग्ध बन्या योजना ना सबुज विप्लव ना विष विषर लहर सृष्टि करि चालचंती द एंटायर ह्यूमैनिटी इज इन क्राइसिस वी वांट पीस वी वांट हैप्पीनेस वी वांट इकोलॉजिकल बैलेंस वी वांट डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर इज इट पॉसिबल द आंसर इज द वैदिक कल्चर आंसर इज द वैदिक रिलीजन Answer is the Vedic philosophy, which is not based on dogmatism. It is completely scientific. We have 9 more days. This Navaratri is for 10 days. Today is the first day. The last day will be Yajna Purnahuti. In between there will be 8 more days. This program is very well planned but little bit tight. Ek karyakram atyanta suchintita bhavare ebam tike gotiye pore gotiye sakala 5 ta tharu ratri 10 ta porjanta ek karyakram ra dhara jo mane go bhakta mane asichu कष्ट स्वीकार करि आसिछु सकाळर गो भागवत कथा सहित अपराह्नरे गो विज्ञान कर्मशाला संध्यारे गो माताको नै सत्संग ए तीनोटी ज्ञान यज्ञ सहित जप यज्ञ संकीर्तन रासलीला आदि विभिन्न कार्यक्रम आपण माने कष्ट स्वीकार करि रहिबे देखन्तु प्रकृतिर प्रतिबंधक सत्वे आपण मैने श्रद्धा नहीं से श्रद्धा पाई मो निज हृदय आनंद भरी जाऊँगी किंतु से आनंद
प्रकृत आनंद नुह जेपर्यंत आम हृदय गो भक्ति गो सेवा गो आधारित कृषि गो विज्ञान गो आधारित आयुर्वेद पंचगव्य आपको आम निज जीवन में स्वीकार न करू भाषण द्वारा देश बहुत पछक चली जा प्रतारणा रे आम समस्ते प्रतारित ये प्रवंचना को आम स्वीकार करना गाँ गहल आसीवा गो भक्त गो सेवक आपण मान करबद्ध नवेदन एठ फेरीगला निज हाथ तो आप गो सेवा कर गो आधारित कृषि प्रत्येक घरे घरे हम रासायनिक सार कीटनाशक औषध को दूरेइ दबो एठी बसिंट श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधान रासायनिक सार कीटनाशक औषध द्वारा ए देश में जी क्षति ही चली विश्वलय प्रकृति जेभली भाराक्रांत ताकु बदल देवाई सामर्थ्य भारतीय देशी गोवंशर अच्छी देशी गोवंशर क्षीर अमृत तो समस्त जानु किंतु गोमूत्र गोमय आज गोवर्धन पूजा जड़े संघ से कथा प्रसंगे कहते गोबर धन गोबर्धन गोमय बसते लक्ष्मी गाई गोबर जदि लक्ष्मी ताल से गोबर को हताधर कलु केमी ए गोबर पुनः मूल्यांकन गोबर पुनः विश्लेषण गोबर पुनः प्रयोग पंचगव्य प्राशन ठू आरंभ कर चाष पर्यंत सबुठ गोबर अत्याधुनिक विज्ञान तार कौशल प्रयोग रे गोबर विभिन्न ऊर्जा शक्ति उत्पादन करा जाई पारिबो ए विषय रे चिंतन ए विषय रे केवल चिंतन नुह ताकु कार्य रूपांतरित करिबा पाई प्रचेष्टा इंडियन कल्चर हैज गिवन फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स टू द होल वर्ल्ड द फर्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूनिवर्सल फैमिली वसुधैव कुटुंबकम वैदिक रिलीजन टीचेस द होल वर्ल्ड इज वन वी बिलोंग टू वन फैमिली वैदिक कल्चर टीचेस सर्वम ब्रह्ममयम जगत प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी इन ऑल वैदिक फिलोसॉफी हैज टॉट टू स्टे हेल्थी डिसिप्लिन थ्रू प्रैक्टिस ऑफ योगा वैदिक कल्चर टीचेस टू यूज आयुर्वेद टू लिव जॉयफुल लाइफ वैदिक कल्चर टीचेस वेजिटेरियन फूड वी हैव कम टू पुरी लॉर्ड जगन्नाथ एक्सेप्ट महाप्रसाद व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन ए वेरी टिपिकल वे You get the taste of Mahaprasad. Vedic culture teaches to love each living being, but the cow the most. The cow is not an animal. The cow is mother. The cow is not the mother of the Hindus. Cow is the mother of humanity. Cow is the mother of creation. Cow is the mother of culture and civilization. I welcome the Western lovers of mother cow, and I'll tell two sentences in Odia, then I'll finish my talk. Bhagavankar Gurudevankar Korunaru, Amerikara Texas Rajyare, ekas छोटिया गोशाला स्थापित होइछि जोठी भारतीय देशी गोवंश से दुईटी छड़ा
गोटे अंडिरा बाछुर जे षंढ हम देशी कांधरे चूल थी बेकरे गलकम्बल थी से गाई से अच्छा जिते गाई रखा को चिंता कलु सेठिका लोक पचार एठिका गाई कौन खाती कहीं आम चुनी चोकड़ दौचु एटी आम अन्न्य खाद्य दौचु नड़ा पाड़ दौचु सी कहले आमर एटी गाई तो किसी दौन पचार गाई कौन खाइबे कह गाई खाली घास खाए आप शुणिले आश्चर्य हे विदेश गाई मानकर चारण भूमि जी अच्छी जो भी गुरुदेव आश्रम गाई रखीचु केवल टिके लुण पानी छड़ा खाली घास खाई अच्छा से गाई कर गोबर ये आम गोबर ठू अत्यंत उच्च मानर आम सबुदिन सका गुरुदेव आश्रम ये बेले एवं विदेशी लोक देखिले आम सका गाई मुतरे गोबर लगे गाई मुतरे आम गाधु मत जे पचारे अच्छा गाई मुतरे गाधेल आप अनुभूति कौन आपण निजे परीक्षा करूँ गोमूत्र गोबर में प्रत्येक दिन स्नान कले शरीर मन बुद्धि तार परिशुद्धि केमिति हुए से जो गोबर खाली घास चरुता गाईर गोबर से गोबर जो सुगंधी गावह कुकुल गंधिका आ भारत वर्ष गाई मान चर को जगह ना भारत वर्षर गाई मान बर्तमान सहर नुहा सहर रास्ता घाटे गली कंदी पूरी बड़ मंदिर से कथा न कहले भल से कष्ट रोचान जाने अनुभवी अनुभव जहा हो आज प्रथम दिन संध्या अधिक किसी न कह श्री जगन्नाथ महाप्रभु निकट में ये प्रार्थना आम आजिकल प्रेरणा दौ समे गोव्रती हवा गोव्रती हवा अर्थ निज हाथ में गोमाता सेवा निजर इष्ट देवता पूजा आराधना पाई शुद्ध गव्य पदार्थ एवं निजर आहार पाई शुद्ध गव्य घृत गव्य दुग्धादि प्रयोग बजार किणा क्षीर चलने बजार किणा घी चलने एवं से संकल्प आमर विश्वास श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो दिन संपूर्ण रूपे गोव्रती से दिन ओडिशा कौन भारत कौन समग्र विश्व एक क्रांति सृष्टि हम एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को गोव्रती करने भूमिका आम समस्त अच्छी जो सेवायत मैंने से मध्य दृढ़ प्रचेषा फल प्रशासन नुह सेवायत मान संकल्प शक्ति जगन्नाथ भक्त मान संकल्प शक्ति जगन्नाथ महाप्रभु आमर को प्रशासन कि सरकार नुह जगन्नाथ महाप्रभु प्रीति पाई आम मानी संकल्प नहीं जावा गाँ गाँव देशी गाई रिय संग्रह जगन्नाथ महाप्रभु गोव्रती हो पारे ना जगन्नाथ महाप्रभु सका अवकाश ठार आरंभ कर राति बहुड़ पड़ा पूर्वर दही पखा पर्यंत कौन आम शुद्ध देशी गाई क्षीर टिके दही टिके जोगे ना ये कौन आम एत हीनवीर्च हो जाइ संकल्प शक्तिर अभाव भारत वर्षर जहाँ विकृति घटी भारत वर्षर जहाँ अधोगति घटी आम मान भर दैवी शक्ति ताको आम विकास करवा परिवर्तन आमर आहार विहार आचरण में आसुरी खाद्य आसुरी विचार आसुरी शक्ति को स्वागत करुचु मंदिर मध्य दैवी शक्तिर विकास परिवर्तन जदि असुर मानकर नृत्य हुए से हम कौन आम मान हृदय दैवी शक्तिर विकास घटु गोमाता निकट में श्री जगन्नाथ महाप्रभु निकट में ये प्रार्थना मैं प्रार्थना करता हूँ श्री जगन्नाथ भगवान को
और गो माता को हमारे अंदर में हृदय में गो भक्ति और हमारे मन में इच्छा शक्ति में दृढ़ता, हम असंभव को संभव करने वाले हैं, हम कर पाएंगे। ज्यादा दिन नहीं, हम यदि चाहेंगे अगली कई वर्षों में संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश सुरक्षित हो, संपोषित हो, संवर्धित हो, शांति प्रेम से गोमाता आनंद से विचरण करे, गोमाता की शांति से विश्व शांति संभव है। इस तत्व को समझने के लिए राष्ट्र नेताओं को कुछ समय लगेगा। तो गोमाता के आधार पर कृषि हो, वाणिज्य हो, स्वास्थ्य रक्षा हो, शिक्षा दीक्षा हो, तो हमारी वैदिक संस्कृति पुनः प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जय गो माता, जय गोपाल, वंदे भेनु मातरम्। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनाद्य विच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमा गमसार हृदया सर्वतंत्र सुतंत्र परापर विद्या विद्योदितांतकरण सनोत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षक श्रीमत्सधर्म साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरुदा बलिविराज मान मानोन्नता महोदधिति धवासिन श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वर श्रीमदराजराजेश्वरश्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्य विजयंते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की भारत अखंड हो। भारत 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 हर हर महा। Oh.
कंटकम नाम प्रीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्म प्रीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयन् कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासकं हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिपोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड हो भारत अखंड हो भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय शंभो
Shiva 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 Narayana 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 Sampasthit Samadharaniya Santa Vrinda Vidvad Vrinda Bhakta Vrinda Manyasri Pradhanji Mahabhava Aur Manya Matri Shakti Bhavatri आह्लाद का विषय है, इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन हमारे लाडले प्यारे श्री प्रज्ञानानंद महाभाग ने किया है। उनके साथ इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अत्यंत लाडले प्यारे कृपा पात्र हैं। इस कार्यक्रम में अदृष्ट गोचर होते हुए भी सक्रिय भूमिका प्रस्तुत करने वाले पथमेरा के संत प्रवर श्री दत्त महाभाग भी विद्यमान हैं। ब्रज क्षेत्र से हमारे श्री मान्य मलुक पीठाधीश्वर महाभाग विद्यमान हैं और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत प्रवर भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। देश विदेश के मान्य गोभक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सबकी आस्था है, सबका अपनत्व है, सबका जीवन आह्लाद से भरपूर है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक दो बार प्रयुक्त हुआ है। माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में, काशी खंड के भी दूसरे अध्याय में वह श्लोक है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुद्धैर दानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते मही। यज्ञ के संपादक जितने तत्व होते हैं वे पृथ्वी के धारक होते हैं। फिर से सुनिए, शास्त्र सम्मत यज्ञ के संपादक जितने तत्व होते हैं वे ही पृथ्वी के धारक होते हैं। उनमें सर्वप्रथम गोभी गोवंश का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप गाय है। गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या है। और छांदोग्य उपनिषद का अनुशीलन करें तो पृथ्वी की हत्या शेष लोकों की हत्या है, समग्र स्थावर जंगम प्राणियों की हत्या है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के धारक जो सात तत्व हैं, गंभीरता पूर्वक विचार करें तो स्वतंत्र भारत में भी द्रुत गति से सातों का विलोप हो रहा है। बुरा न मानो होली है, सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है। फिर से सुनिए, सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है। परतंत्रता के दिनों में हमारे प्रशस्त सनातन सर्वहितपद मान बिंदुओं का जितना क्षय हो रहा था, उससे अधिक क्षय स्वतंत्र भारत में प्रशस्त मान बिंदुओं का हो रहा है। इसलिए राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को और उनके चुनने का जिनको दायित्व है, उनको विचार करना चाहिए कि भारत सचमुच में क्या
सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र देश है। शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं है, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, यहाँ तक कि संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है। अब धीरे धीरे भोजन, वस्त्र, आवास, विवाह इत्यादि के प्रकल्प भी हमारे विकास के नाम पर विलुप्त किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मान्य महानुभावों का दायित्व होता है कि वे पार्टी और पंथ की संकीर्ण मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करें क्या सचमुच में सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र राष्ट्र कहने योग्य है। यहाँ संविधान के मर्मज्ञ मनीषी भी होंगे। मैं एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर स्वयं देता हूँ। सावधान, भारतीय संविधान की दृष्टि में हिंदू एक नंबर का नागरिक अब तक नहीं, तो सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश है। अनर्गलक प्रलाप है, आंखों में भूल झोंकने का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत में स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप होना चाहिए उसे उद्भासित और प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूँ और गोवंश को लेकर अपने भावों को गिने चुने वाक्यों में गुंफित करने का प्रयास करता हूँ। सावधान, सन 1846 तक गांधार, काबुल जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उसके राजा धीराज महाराज रणजीत सिंह थे। 1846 के बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया, उसके बाद अंग्रेजों ने वर्मा को भारत से पृथक किया, उसके बाद अंग्रेजों ने श्रीलंका को भारत से पृथक किया, उसके बाद अंग्रेजों ने दो पाकिस्तान बनाकर उन्हें भारत से पृथक किया। एक पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान के नाम से ही छापित है, एक पाकिस्तान को आजकल बांग्लादेश कहते हैं। मुझे कहने में बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। समझ गए, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है। वो वंश की रक्षा के लिए मैं संकेत करता हूँ, मंगल पांडे जी के हृदय में वेदना उत्पन्न किसने की? वो वंश के प्रति अत्याचार ने, अन्याय ने। आज हमें स्मरण करना चाहिए कि मंगल पांडे ने देश को स्वतंत्र करने का जो भाव व्यक्त किया उसके मूल में वो वंश का तिरस्कार ही था। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत ही चमत्कारपूर्ण तथ्य उद्भाषित किया गया, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक मान्य मुख्यमंत्री जी ने पदासीन होने के बाद कुछ बूचड़ खाने को बंद किया, अंत में उनको कहना पड़ा कि लाइसेंस हीन है, जिन गौशाला जिन बूचड़ खालाओं को खानों को कट्टी घरों को मान्यता नहीं प्राप्त थी उनको मैंने बंद किया। एक तथ्य सामने आ गया कि भारत वह देश है जहां बूचड़ खाने भी वैध और अवैध हैं। इसका मतलब है भारत स्वतंत्र देश नहीं है। जिन बूचड़ खानों को वैध घोषित किया गया सरकार की ओर से उसे उन्होंने नहीं छुआ, अवैध बूचड़ खाने को उन्होंने छुआ, लेकिन उनके नाक दम हो गए। उनको कहना पड़ा कि हमने अवैध बूचड़ खानों को प्रतिबंधित किया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सचमुच में भारत स्वतंत्र देश कहने योग्य है जहां बूचड़ खाने भी वैध और अवैध होते हो? इसका मतलब गोहत्या जहां वैध उद्घोषित हो वह देश बहुत स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र है ही नहीं। एक संकेत में करता हूं,
अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, जब वे मानवता की ढिड्डी उड़ाकर कोई कदम उठाते थे उनका इतिहास तो कम से कम विकृत होता था। मुगलों ने भारत पर छल बल डंके की चोर से शासन किया, जब वो मानवता की ढिड्डी उड़ा करके कोई कदम उठाते थे कम से कम इतिहास उनका कलंकित होता था। लेकिन आज गुप्त रीति से विचार करें तो शासन उन्हीं के हाथों में है, लेकिन बदनाम होते हैं हमारे राजनीतिक दल और उनसे संबद्ध राजनेता। इसका अर्थ क्या हुआ है? मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है ना, इसलिए मैं संकेत करके कहता हूँ डंके की चोट से भारत में आज भी अंग्रेजों की कूटनीति ही कारगर है और अंग्रेजों की भावना के अनुसार ही भारत के जितने प्रांतीय और केंद्रीय शासन कम स्वतंत्रता के बाद से अब तक रहे हैं और हैं सब संचालित होते हैं। इसलिए अब गोवंश की बात सोचिए, किसी का विलोप करना हो तो उसकी उपयोगिता पर पानी फेर दो, ट्रैक्टर के माध्यम से खेती, ट्रक और ट्रैक्टर के माध्यम से माल ढोने का काम, गोवंश की उपयोगिता को मुक्त करने का यह कुचक्र है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि गोवंश की रक्षा हो तो कैसे हो। मेरी आंखों के सामने 7 नवंबर 1966 की घटना है, दक्षिण भारत से और हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाकर 1400 गो भक्तों को भून दिया गया। वो 1400 गो भक्त कौन थे? लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर तक जो चुपचाप प्रवचन सुन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, महावीर त्यागी जी, रामेश्वरानंद जी, ये सब सांसद प्रवचन कर रहे थे। और उस समय मैंने देखा है मध्य प्रदेश राजस्थान की देवियों के गोद में 10-10 महीने के बच्चे थे। उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की रक्षा के लिए केवल प्रवचन सुनते समय हम लोग घूम दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में विनोबा जी को आप लोग भूल गए होंगे, विनोबा जी से कहा गया अगर गोरक्षा की बात करते हो तो जेल के सिकंदे में सर के मरना पड़ेगा। और अंत में विनोबा जी को जो कष्ट भोगना पड़ा वो हम लोगों को मालूम है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पाती जी महाभाग को मरवाने के लिए तिहाड़ जेल में 24 घंटे पहले खूनी कैदी छोड़ दिए गए थे। उनके हाथ में लोहे के दंडे थे, उनको मारने के लिए लोहे के दंडों का प्रहार किया गया। कुछ संतों ने उनकी रक्षा की, फिर उनकी आंख में लोहे के सलाका चुभोए गए, उसी वेदना में उन्होंने देहत्याग किया। हम भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में संख्यासठ सरसठ में बंद रहे हैं। और सुन लीजिए, जिन महान भाव गोवर्धन मठ पुरी के 144 में जगद्गुरु शंकराचार्य महाभाव ने अनशन किया सन 1967 में 72 दिनों तक पराक व्रत के अनुसार, कलयुग में 12 दिनों से अधिक अनशन का नियम नहीं है, 12 को 6 से गुणा कीजिए 72 दिन होते हैं। जिनके नाम पर यह पंडाल है उन्होंने पहले कहा कि जब तक भारत में गोवंश सुरक्षित नहीं है तब तक छत्र सिंहासन आदि का उपयोग नहीं करूंगा। बाद में उन्होंने अन्न का त्याग किया, बाद में उन्होंने फलाहार का त्याग किया, बाद में केवल दुग्ध और गंगा जल पर निर्भर रहे। अंतिम सांस तक गो दुग्ध और गंगा जल का ही सेवन करते रहे। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, सरकार के पास गोवंश की रक्षा का सचमुच में कोई अभियान नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है। और मैं एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ, मान उच्चतम न्यायालय को भी मैं संकेत करता हूँ कि शंकराचार्य का पद अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायाधीश का होता है। मान उच्चतम न्यायालय को भी अब तक पता नहीं है कि गोहत्यारों ने 300
वो भक्तों को तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में अब तक मार दिया। प्रचार यह किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी, मानो उनको किसी तथ्य का पता नहीं है कि गो हत्यारे मारे कौन, गो हत्यारे जो हैं वो मारे जा रहे हैं गो भक्तों के द्वारा। जबकि मेरे पास सूची है, कोई भी देख सकता है, अब तक हिंदी भाषी क्षेत्रों में मिलिट्री के जवान, पुलिस के जवान सब मिलाकर के 300 गो भक्तों को कसाईयों ने मार दिया है। इसका अर्थ होता है गो रक्षकों को मारने का, नष्ट करने का पूरा अभियान देश में चल रहा है। एक भारत में ऐसा प्रांत है जिसके सांसद ने कहा था गरीबों का भोजन है गो वंश, इसलिए गो हत्या बनी रहनी चाहिए। एक प्रांत की मुख्यमंत्री है जिसने पार्लियामेंट में 3 बार कहा था कभी गो हत्या होगी होगी होगी। अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा चिंता मत कीजिए क्रिश्चियनों, पड़ोसी प्रांत से गो वंश मंगाकर हम आपके पेट की पूर्ति करेंगे, आपके खाद्य को देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रामाणिक रीति से विचार करें तो गो वंश के आंसू को पोछने वाला कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं है। ऐसी स्थिति में गो वंश के आंसू को पोछने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है तो राष्ट्र के आंसू को पोछने वाला कौन होगा? अतः स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए घोर परतंत्र देश का नाम भारत है। और मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, क्या संकेत कर देना चाहता हूँ, सारी विसंगतियों का कारण क्या है? अंग्रेजों की कूटनीति। अगर मन परंपरा के माननीय आचार्य भारत में बने रहे, सम्मानित किए गए, तो हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। इसलिए कभी गांधी जी को, कभी विनोबा जी को, और आजकल मन दलाई लामा को भारत के भाग्य विधाता आध्यात्मिक मनीषी के रूप में घोषित किया गया है। उन अंग्रेजों को पूछना चाहिए इसे 21वीं शताब्दी में पोप महोदय सार्वभौम आपके रिलीजन पंथ के गुरु हैं, लेकिन शंकराचार्यों के अस्तित्व को नष्ट करने का अभियान आपने 70 वर्ष पहले चलाया। आज भी विक्टोरिया से अधिक समय तक एलिजाबेथ शासन कर रही हैं, और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले राजतंत्र को विदा कर दिया गया। आप लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। ऐसी स्थिति में गोवंश सुरक्षित नहीं है। गोवंश का अर्थ क्या होता है मालूम है? अर्थ की सिद्धि, काम की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि जिस पर निर्भर है, पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है। कम से कम रावण का वचन वाल्मीकि रामायण में ढूंढना चाहिए। रावण ने कहा लक्ष्मी और अर्थ का स्रोत गोवंश है। रावण का वचन है वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मी का, श्री का स्रोत गोवंश है। अतः गोवंश की रक्षा हमारा कर्तव्य है। छलबल डंके की चोर से विकास के नाम पर गोवंश को विकृत किया जा रहा है, विलुप्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में घोर अत्याचार है स्वतंत्रता के नाम पर, विकास के नाम पर। वैज्ञानिक ढंग से थोड़ा विचार कर लीजिए, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं इनको विकृत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सज्जनों गोवंश की रक्षा एक विकट पहेली है। और एक और भ्रम दूर करना चाहिए, आप महानुभाव कहते हैं वैज्ञानिक धरातल पर, आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर हम गोवंश के महत्व को विश्व स्तर पर ख्यापित करना चाहते हैं, लेकिन गोवंश की हत्या के अभियान चलाने वाले जो अंग्रेज हैं उनको क्या गोवंश की उपयोगिता का ज्ञान नहीं है? गोवंश की उपयोगिता का उनको ज्ञान है, जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित हो सकती है, हम सुरक्षित हो सकते हैं, सबका महत्व जानते हैं। लेकिन दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर हमारे जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं उनको दूषित विलुप्त करना अंग्रेजों का षड्यंत्र है। मुझे कष्ट इस बात को लेकर होता है कि स्वतंत्र भारत में भी पूरा शासन तंत्र अंग्रेजों की कूटनीति के आधार पर ही चल रहा है, अपना भारत में कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दो वाक्य और मैं संकेत करना चाहता हूँ।
पहली क्रांति यहाँ यह होनी चाहिए। लगभग 1000 गाय बैल कहाँ है इस पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में भटक रहे हैं। पर्व त्यौहार के समय उनको काजी खाने ले जाया जाता है। कम से कम या जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भी हम सम्मिलित हैं, हम अपना ही सम्मेलन मानते हैं। इस प्रकार के सारे कार्यक्रम के साथ हमारा अपनत्व है। सबसे पहले यह कदम उठना चाहिए, वो जो 1000 गोवंश इकाइयाँ भटक रही हैं उनके संरक्षण संवर्धन और उनकी सुरक्षा का मार्ग कैसे प्रशस्त, उससे क्या होगा, साक्षी गोपाल इत्यादि के व्यक्ति भी सावधान हो जाएंगे। कहीं भी तीर्थों में इस प्रकार गोवंश की दुर्दशा ना हो जिस प्रकार की दुर्दशा पूरी में गोवंश की हो रही है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है पूरी में भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में भी गोवंश सुरक्षित नहीं है। साक्षी गोपाल आदि में तो गोहत्या खुल्लम खुल्ला होती ही है। इसका अर्थ है कि भारत का जो राजनीतिक धरातल तंत्र है वो गोवंश की रक्षा का पक्षधर नहीं है। कोई व्यक्ति पक्षधर हो सकता है। एक संस्मरण सुना दें आपको बहुत आश्चर्य होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कर्पाती जी महाराज कुछ रोग में थे, मैं इस पद पर नहीं था। उन्होंने आज्ञा दी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो रक्षा का संदेश उन तक जाना चाहिए। क्योंकि मोरारजी देसाई ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा कलम की एक नोक से वो हत्या के काले कलम को हम नष्ट कर देंगे, दूर कर देंगे। आज वो प्रधानमंत्री हैं। ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य, पूरी मठ के उस समय जो मान्य शंकराचार्य जिनके नाम पर यह पंडाल है, उनके नेतृत्व में हम 300-400 व्यक्ति थे। देसाई जी की कोठी तक पहुँचे। मान्य नंद नंदनानंद सरस्वती जो नंदलाल शास्त्री के रूप में सांसद रह चुके थे पहले, जोशीमठ पूरी पीठ के शंकराचार्य मान्य नंद नंदनानंद सरस्वती तीनों को अनुमति प्राप्त हुई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मोरारजी देसाई ने क्या कहा आपको मालूम है, आप मान भाव या क्यों भूल रहे हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति ने कहा था कि भारत के स्वतंत्र होने पर कलम की एक नोक से जो हत्या बंद कर देंगे, वो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के पद पर आया तो उसका वाक्य था मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ, कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ का अर्थ होता है कसाईयों का ही प्रधानमंत्री हूँ। ऐसी स्थिति, इसलिए भारत में स्वस्थ क्रांति के लिए दो बिंदु देकर मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। किसी दल की समीक्षा आलोचना निंदा में हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य है कि भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र राष्ट्र का रूप देना हमारा पवित्र दायित्व है। और राजनीतिक दलों दो संस्मरण में सुना भी बहुत अच्छा रहे। श्री राम जन्मभूमि को लेकर मेरा वक्तव्य प्रसारित हुआ, भाजपा के समय अध्यक्ष महोदय अडवाणी जी दिल्ली में मेरे पास आए, 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे रहे। दो वाक्य उनका मैं सुनाता हूँ। अगर चार पीठों के मान्य जगद्गुरु शंकराचार्य आप महानुभाव जो आपका दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए निर्णय लें और क्रियान्वित करें, हम राजनेता कौन होते हैं जो उसमें काम हरा सकते हैं और सुरक्षित रहें, समझ गए ना। इसको मैं मानता हूँ, किसी राजनीतिक दल का दोष नहीं है, हम संतों का धर्माचार्यों का यह दोष है, प्रमाद है कि हमारे रहते हुए भी भारत में गोवंश की हत्या का काला कलम हमको प्राप्त है। इसलिए राजनेताओं को बरी करते हुए निरपराध घोषित करते हुए हम यह गीरा लेते हैं भगवान जगन्नाथ का स्मरण करके, गोवंश की हत्या भारतवर्ष में नहीं होगी। गोवंश की को विकृत और विलुप्त करने से भारत में बचाने का पूरा प्रयास होगा। एक बार अमर सिंह आ गए जब सपा में थे, 2 घंटे तक मेरे पास दिल्ली में बैठे रहे। उनका वाक्य बहुत मार्मिक, हम राजनेता देश को गिरा सकते हैं, इससे अधिक हमारी क्षमता नहीं है। अगर देश की वेदना है हम पर राष्ट्र को मत छोड़िए, अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए शंकराचार्य। अमर सिंह के शब्द हैं। दोनों राजनेताओं की बात मैंने आपसे कह दी, किसी पार्टी का दोष नहीं,
मैं संकेत करता हूँ हिरण्यकश्यप के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कौन था? देवर्षि नारद ने चुनौती दिया उसी के बेटे को आगे करके। बैन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले भृगु जी थे। रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले वशिष्ठ जी थे। दुर्योधन कंस के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले कौन थे? व्यास जी थे, धम्म जी थे, मैत्रेयी जी थे। बौद्धों के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने वाले शंकराचार्य थे, कुमारी भक्त थे। अमुक शासन को चुनौती देने वाले चंद्रगुप्त चाणक्य थे। अमुक शासन को तंत्र को चुनौती देने वाले समर्थ रामदास थे। इसका मतलब आचार्य पीठ का दायित्व होता है अगर शासन तंत्र दिशाहीन हो जाए उसका शोधन करें। शोधन की दो प्रक्रिया है, विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उसमें जिसकी आस्था है वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत है। इससे सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी आदि महान भावों ने स्वतंत्र भारत का जो संकल्प लिया था उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था उसे क्रियान्वित करने में जिसकी आस्था हो वही राजनेता वही राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत है। मानवाधिकार की सीमा में सबको अभयदान देकर हिंदुओं को अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मैं संकेत करना चाहता हूँ और सावधान, भारत के मुस्लिम तंत्र को मैं बहुत लार प्यार से एक संकेत करता हूँ। स्वतंत्र भारत में विभाजन के बाद के भारत में तीन तीन मुसलमान सज्जनों को हमने राष्ट्रपति बनाया। स्वप्न में भी अरब राष्ट्र बांग्लादेश पाकिस्तान इस उदारता का परिचय दे सकता है। एक मुसलमान सज्जन को हमने उपराष्ट्रपति बनाया, उस समय पहले तक उपराष्ट्रपति थे। एक मुसलमान सज्जन को बीपी सिंह के शासनकाल में हमने भारत का गृहमंत्री बनाया। एक मुसलमान सज्जन को हमने नरसिंह राव के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। अनेकों मुसलमान सज्जनों को अब तक राज्यपाल, राजदूत और मुख्यमंत्री बनाया। ये सब क्या हिंदुओं की दुर्बलता है? मैं संकेत कर लूं, किसी की उदारता को अगर कोई दुर्बलता समझता है तो भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, वह उदारता जो अपने अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने के लिए बाध्य करे उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ या क्षुद्र दुर्बलता है। मुसलमान सज्जन हो, क्रिश्चियन सज्जन हो, कम्युनिस्ट सज्जन हो, इनके हिमायती पक्षधर राजनीतिक दल और राजनेता हों, वो सब सुन लें। अगर हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को इतना ही कुचला गया तो हिंदू फिर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। हिंदुओं में सब कायर नहीं होंगे, उस समय हिंदुओं के उग्र रूप को संभालना बहुत कठिन होगा। उस उग्रता का परिचय हिंदू न दें इससे पहले ही गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा, सुनो, काटलू हिंदू है या नहीं, कश्मीरी है या नहीं, न्यायाधीश रहे या नहीं, वो जब अपने मुख से गो हत्या गो मांस का समर्थन करते हैं तो परिस्थिति ये हो गई कि हिंदुओं के जो बुद्धिजीवी कहे जाने वाले, संविधान के मर्मज्ञ कहे जाने वाले, वरिष्ठ पदाधिकारी नागरिक कहे जाने वाले हैं वो तो मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र से आगे मुखर होकर के गो मांस की हत्या का, गो मांस के खाने का समर्थन कर रहे हैं। अगर हमने विलम्ब किया स्वस्थ क्रांति में तो संभवतः बस हिंदू भी नहीं रह जाएंगे जो वो वंश की रक्षा के पक्षधर होंगे। ऐसी स्थिति में हमको स्वस्थ क्रांति के द्वारा भारत को स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। मैंने जो कुछ इस मंच से प्रवचन किया उसका सारा दायित्व मुझे प्राप्त है, सम्मेलन के आयोजकों को नहीं। इसकी कोई प्रतिक्रिया होती हो, दमखम हो, सारा दायित्व मेरे प्रवचन का मुझ पर प्राप्त है और मैं सब जगह यह बोलता हूँ। इसलिए हमारा संकल्प है सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है, उसे स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। और जब तक व्यासपीठ जो मनवादी परंपरा से प्राप्त है उसको उपेक्षा की जाएगी, किसी राजनीतिक दल और राजनेता में क्षमता नहीं तो भारत को सुव्यवस्थित कर सके। सबसे बड़ा तिरस्कार यह है हम लोग जो सनातन परंपरा के आचार्य हैं, संत हैं, उनको
क्या किया जा रहा है, विलुप्त करने का षड्यंत्र कर रहा है। भाजपा ही संघ चाहिए, कांग्रेसी संघ चाहिए, वो क्या करेंगे हाईकमान के सामने, क्या वो करेंगे, वो तो कार्यकर्ता है आपके। सपाई संघ चाहिए, बसपा ही संघ चाहिए, भाजपा ही संघ चाहिए, कांग्रेसी संघ चाहिए, परंपरा का संघ नहीं चाहिए। इसका मतलब परंपरा का संघ नहीं चाहिए तो संघ आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे तो वो कहां जाएगा राष्ट्र। इसलिए आवश्यक है अगर भारत अपना हित चाहता है, यहाँ के प्रधानमंत्री इत्यादि सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुरक्षा की परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, व्यासपीठ को स्वच्छ रीति से उद्घाटित करें। आप नहीं करेंगे तो प्रकृति को कर रहे हैं। जोशी मठ को लेकर जो निर्णय हुआ, प्रकृति ने कदम उठाया नहीं, प्रकृति का अर्थ होता है भगवान की शक्ति। और एक बात और सुन लीजिए, जब दानी दानी के लिए मुहताज से सज्जन, बेन के शासन काल में कोई क्रांतिकारी व्यक्ति मुखर नहीं हो रहा था, पृथ्वी ने क्रांति का बीड़ा उठाया। सज्जन तो दाने दाने मोहताज हैं, दुर्जनों को भूखे मारने के लिए अन्न देना बंद कर दिया। जब गंगा जी के साथ न्याय नहीं हो रहा था, कहाँ भी केदारनाथ, 15 दिन पहले मैंने कहा था, कहते हो हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के पास क्या शक्ति है, मुझे देहरादून से जाने दो फिर क्या होता है। गंगा जी ने अपनी धारा निकाल ली या नहीं, विप्लव अपना स्वरूप दिखाया या नहीं, 10,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे भगवत कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से दिखाई पड़ता है। मैं भारत के शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूँ, प्रकृति केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सहित राजनीतिक दलों को निकालने के लिए उद्यत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र करने के लिए अपनी पार्टी का आमूलचूल शोधन कीजिए, नहीं तो प्रकृति अब नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है, मया अध्यक्ष न प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना ने न कौनते यह जगत विपरिवर्तते। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है, और प्रकृति के परिकर कौन है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, पृथ्वी जल तेज और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। जब कोई मनुष्य दुर्बल पड़ जाता है, क्रांति की बात नहीं करता, तब प्रकृति के ये परिकर हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, सुनामी लहर के द्वारा, अग्निकांड के द्वारा, दावादल के द्वारा, वाक्या के द्वारा ये प्रार्थना कर देते हैं। प्रकृति अपने हाथ में बागडोर संभाले, उससे पहले राजनेताओं को हमें पवित्र अवसर देते हैं। सभी राजनेता हमारे लाडले प्यारे हैं, लेकिन सब बचते हैं, कहीं आध्यात्मिक गंध न आ जाए राजनीति। जबकि राजनीति का अर्थ है राजधर्म, राजनीति का अर्थ है छात्र धर्म, राजनीति का अर्थ है अर्थशास्त्र, राजनीति का अर्थ है दंड नीति, और उन्मादी व्यक्तियों के तंत्र का नाम राजनीति नहीं है, अराजक तत्वों की बपौती राजनीति नहीं है। और संतों का शंकराचार्य का दायित्व रहा है शासन तंत्र का शोधन, अगर शासन तंत्र शुद्ध होने के लिए तैयार ना हो उसे रसातल में पहुँचा कर जैसा देश की रक्षा के लिए शासन तंत्र चाहिए वैसा शासन तंत्र दो, यह संतों का महात्माओं का शंकराचार्यों का पवित्र दायित्व है। उस दायित्व के निर्वाह के लिए हम समर्थ भी हैं भगवान की ओर से और तत्पर भी हैं। हर हर महादेव।